इसलिए जनता ने नकार दिया उनको इस कटहरी विधानसभा से। धर्मराज को इसलिए हम लोग पसंद करते हैं कि वो हर जगह पहुंचते हैं, हर आदमी के दुख सुख में पहुंचते हैं, उनके अंदर जात पात नहीं है। धर्मराज निषाद अगर आ जाते तो पक्का क्यों हरा ना सकत, हाँ कौनो पार्टी ना हरा सकत, और चाहे जौने पार्टी सो आई गई है वही पार्टी मुनकर डिग्री बा। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है, कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई बार कार्यक्रम लग चुका है, क्योंकि वो उनकी ये सीट उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है कि कटेहरी की सीट हमें किसी हर हाल में जीतनी है। और दूसरी तरफ 2027 का चुनाव देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उनके लिए ही अग्नि परीक्षा है। अगर ये सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए आगे का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी किसको घोषित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का जो रुझान है वो धर्मराज निषाद की तरफ का रुझान है कि धर्मराज निषाद को अगर टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल जाएगा। अगर लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से होते हैं तो किसी भी तरह जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हार निश्चित है और ये जनता ने स्पष्ट रूप से बता दिया। क्योंकि मुस्लिम वर्ग से लेकर कई वर्गों से मेरी बातचीत जब हुई तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से धर्मराज निषाद के सिवा कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि मुस्लिम वर्ग भी चाहता है, मुस्लिम वर्ग भी चाहता है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सूल की तरह चुभती है। लेकिन जब इस विधानसभा का मैंने मुआयना किया और क्षेत्र का भ्रमण किया तो क्षेत्र में साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि धर्मराज निषाद को अगर टिकट मिलता है तो धर्मराज निषाद जीत जाएंगे। इस वक्त मैं कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और कटेहरी विधानसभा क्षेत्र पर हमारी नज़र एक चाय की दुकान पे पड़ती है, और चाय की दुकान पे कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और राजनीति की चर्चा भी होती है, कुछ भी अखबार भी पढ़ रहे हैं और अखबार में आज की ताज़ा खबर भी देख रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उपचुनाव में पूछना चाहते हैं यहाँ पर किसका पल्ला भारी है। ये आप इसी विधानसभा क्षेत्र से, कटहरी विधानसभा से हैं भाई? क्या नाम है आपका? साहेब अली। अच्छा, क्या लग रहा है कि सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है? देखिए, मजबूती में अगर धर्मराज निषाद को टिकट दे दिया जाता है तो उनका निकल जाएगा सीट, अन्यथा सपा ले जाएगी। हैं, बसपा की कोई जनाधार नहीं, यहाँ कोई जनाधार नहीं, मिट गया है। हाँ, कौन जनाधार बसपा? अच्छा, बसपा को क्यों मिटा दिया गया? क्योंकि बहन जी ने तो बहुत काम किए ना यहाँ पर। बहन जी ने बहुत काम किया, लेकिन उनके जो चंगू मंगू हैं देहाती वाले भैया, थोड़ा झगड़ा हो जाए पहुँच जाए थाना, पूरा मोहल्ले थाना पहुंच जाए भैया, तो इसलिए जनता ने नकार दिया उनको इस कटेहरी विधानसभा से। यही बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ, वहां भी इनका जनाधार बीएसपी का जो था वो एकदम पूरी तरह जीरो बटा आया। अब वो जीरो ही रहेंगी, बहन जी खुद लड़के देखें यहाँ हार जाएंगी। अम्बेडकर नगर के लिए भले उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके जो घर गैया नेता हैं यहाँ का, उनका माहौल ख़त्म कर दिया गया एकदम। भैया सब में कोनो बातचीत होगी पूरा मोहल्ला कह दिए लग गया एक थाना में, सब इससे फर्क पड़ा। और अगर कहा जाता है समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा का परिवार फिर आएगा तो दिक्कत है उनके लिए, उनको ना दे के किसी और को दिया जाए, और कोई लड़ने वाला यहाँ नहीं है, उन्हीं के घर में सब रहे, बताइए उन्हीं के घर में सब रहे, और कोई लड़ने वाला यहाँ नहीं है प्रत्याशी, किसी का और मौका दिया जाए, मौका किसी और को दिया जाए। और लालजी वर्मा घर से अगर क्यों खड़ा हो बा तो कत्ते इन जीते, हाँ लिखित ले लें। उसका रीजन क्या है? उनके विधायक रहे परिवार हो तो गए परिवार बात, तब पूरा सपा में देखें पूरा परिवार बाधित हो गए, घर में बिटिया हो जाए, बेटवा हो जाए, दमाद हो जाए, और पूरे कटेरी विधानसभा में है, और क्यों है नाना बाबू, और क्यों चाहिए समय दें, अगला आजमाइश करें। अच्छा, यहाँ से अगर लालजी वर्मा को वो प्रत्याशी घोषित होते हैं तो हार जाएंगे चुनाव? बिल्कुल हार जी, हाँ, धर्मराज के मुकाबले हार जाएंगे, धर्मराज के मुकाबले में, अगर और अन्यथा किसी के मुकाबले में रहेंगे तो जीत भी सकते हैं जी। अच्छा, धर्मराज को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? धर्मराज को इसलिए हम लोग पसंद करते हैं कि वो हर जगह पहुँचते हैं, हर आदमी के दुख सुख में पहुँचते हैं, उनके अंदर जात पात नहीं है। अगर कोई बच्चा उनको रोक ले तो रोड पर रुक जाते हैं,
इस टाइप के वो नेता हैं और ईमानदार नेता हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को जो नेता है धर्मराज को टिकट देगी? धर्मराज के पास पहली बात तो दौलत नहीं है, अब तो ऐसा है कि 10-20 करोड़ फेगा कौनो पार्टी हो उनका टिकट मिले। धर्मराज तो आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ो हुआ, ईमानदार हमेशा आर्थिक स्थिति गड़बड़ रहा था भैया। लेकिन जनता का जो सहयोग है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज को नहीं दिया तो कटेरी विधानसभा फिर जाएगा, फिर सपा मजबूरी है सपा ले आएगी। अच्छा, अगर क्योंकि देखिए मुस्लिम जो समाज होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, ठीक है, सूल की तरह चुपती है दोनों पार्टियों में, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये दोनों में कभी ये नहीं। लेकिन अगर धर्मराज इस जगह पे अगर टिकट लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, फिर आप लोग कैसे देंगे वोट? सभी वर्ग देंगे, तब पार्टी की बात नहीं रहेगी, पार्टी की बात नहीं रहेगी, फिर धर्मराज सबके लिए एक समान है, हर कास्ट उनको वोट देगा। ऐसे नहीं, मुस्लिम कास्ट कम से कम 60% वोट देगा तो उनको कौन हरा सकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी उनके जगह पे अन्यथा किसी को देती है तो 100% हार जाएंगे, तो सपा निकाल ले जाएगी, तो मजबूरी पड़ जाएगी जनता को, दीजिए लाल ही जीवन को दीजिए, फिर ये बात है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपके? तेज बहादुर उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय जी, जो इन्होंने कहा ये बात कितनी सही है? सही है एकदम, 100 में 100% पूरा सही है। लालजी वर्मा के अलावा जयशंकर दादा को टिकट देंगे, जैसे पंडित लोग में और अवधेश द्विवेदी पाएंगे, जयशंकर दादा सपा से आएंगे। अच्छा। तो जयशंकर दादा अपना सीट निकाल लेंगे। अच्छा, अवधेश द्विवेदी को अगर टिकट मिलता है? अवधेश द्विवेदी को मिलता नहीं, निकाल पाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, पंडित भी नहीं देंगे और बिरादर भी नहीं देते हैं। अच्छा, ब्राह्मण नहीं देंगे? ब्राह्मण भी नहीं देते हैं। उनसे अच्छा प्रत्याशी तो हमारे प्रमुख जी। कौन है प्रमुख जी? प्रमुख जी अजय सिंह सिपाही जी। अच्छा जी, तो उनके ऊपर भी तो बड़े सारे दामन में दाग लगे हुए हैं, जेल में भी फर्जी दाग लगा है, जो कुछ दाग है फर्जी दाग है जी। तो क्या लगता है कि क्योंकि वो बार बार बोलते हैं हमारे ऊपर, फर्जी मुकदमे लगते हैं। अच्छा, अगर अजय सिंह सिपाही को मिल जाता है टिकट तो क्या लगता है ब्राह्मण देगा उनको? उनको हर वर्ग से वोट है, मुस्लिम ब्राह्मण निषाद हर वर्ग से वोट है उनका। ब्राह्मण देगा वोट? बहुत कम उम्मीद है, कम उम्मीद है। देखिए ये ब्राह्मण समाज से हैं और ठाकुर मतलब मिलेगा वोट उनको हर वर्ग से मिलेगा, जो एक नेता को नहीं मिलता हर वर्ग से उनका मिलेगा वोट। प्रमुख जी को माननीय अजय सिंह सिपाही जी को वोट मिलेगा हर वर्ग से, चाहे थोड़ा ही मिले, हर वर्ग में उनका वोट है जी। जी बाभन बिरादरी वोट न दे, आज एक नोट कर लिया, पक्का बात हमार बात पक्की मान ले। हाँ पक्की बात माना है, हाँ जैसे मान ले हमसे आपसे बहुत बैठक बताएगी ओके बात अलग बात, लेकिन ब्राह्मण ही कटहरी बाहुल क्षेत्र या ब्राह्मण के न दे वोट। अगर मान लिया हम कहते कि अजीत अजीत सिंह का दे दें तब वो ब्राह्मण वोट न दे, बसपा दे दे, हम खुद हम उपाध्याय है, हम खुद ब्राह्मण है, बसपा दे दे लेकिन न दे। अगर ये जीत अवधेश द्विवेदी अगर हैं तो अवधेश द्विवेदी न पाई हैं, ये नो हार जी हैं भैया। धर्मराज निषाद अगर आ जाते तो पक्का क्यों हरा ना सकत, हाँ कौनो पार्टी ना हरा सकत, और चाहे जौने पार्टी सोए आ गई हैं वही पार्टी में उनका डिग्री बा। कान लगाते हैं, कई लोगों का आना जाना, तरह तरह की बातें होती होंगी, क्या है जो जिन लोगों ने जो यहाँ पर कहा है बैठे हैं, क्या वो कितनी बात सही है? नहीं है, वो 100% सही है। रही बात ये कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ चुनाव में दोनों टक्कर है। रही बात कि लालजी वर्मा यहाँ से बहुजन समाज पार्टी शासनकाल में वित्त मंत्री रह चुके हैं इसी कटेरी 277 से, लेकिन ऐसा विकास कुछ हुआ नहीं है। तो विकास के नाते से तब की बार ब्राह्मण प्रत्याशी उतर गया तो OBC और क्या नाम SC अल्पसंख्यक जो लोग हैं ये लालजी वर्मा को लाइव कर दिए अवधेश द्विवेदी के नाते से, तो जब क्या नाम उनको लाइव कर दिए तो वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस माहौल में समाजवादी पार्टी की तरफ से भीम निषाद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या नाम धर्मराज निषाद के टक्कर में है। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्मराज निषाद को यहाँ से टिकट देती है तो 100% गारंटी है BJP यहाँ अपना खाता खोल लेगी, एकदम पक्की निर्णय के इसमें दो राय नहीं, क्योंकि बहुत से जनता लोग आते जाते रहते हैं, सभी की जुबान से यही सुनाई पड़ रहा है कि क्या नाम धर्मराज आएंगे तो उनके
और भी समाज के लोग, मुस्लिम समाज भी, क्या नाम, दलित समाज, निषाद समाज, ओबीसी के जितने समाज हैं उनको सब लोग लाइक करें, चाहे उस ब्राह्मण हो वो चाहे क्षत्रिय हो। तो अभी भाई साहब ने कहा है कि जिसके पास धन बल पैसा रहता है वही टिकट पाता है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट के लिए पैसा लेती है या अच्छे कैंडिडेट को वो देती है? सर वो पार्टी वाली बात है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष जो लोग अपना निर्णय लेते हैं वो इस उनकी सिरदर्दी है कि किसके पास पैसा है किसको नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी 8 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उसमें हम लोगों का क्या नाम मीटिंग हुआ था कि, तो उस मीटिंग में बूथ अध्यक्षों को मीटिंग हुआ था, तो उसमें लोग 65% यही प्रस्ताव रखा कि धर्मराज को अगर दिया जाता है टिकट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, 65% लोगों ने वो किया कि अगर धर्मराज को टिकट दिया जाता है 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करेगी। अच्छा, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, वो तय करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी रिपोर्ट भेजी गई थी, पांचों की पांचों विधानसभा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ के जिला अध्यक्ष पर भरोसा करेंगे? देखिए, मैं नंदलाल निषाद बोल रहा हूँ, मैं निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। मैं 8 तारीख हम लोग गए थे, 8 तारीख में हम लोग रिजल्ट यही निकाले कि सर्वे सर्वा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है बागडोर सब पूरा अपने हाथ में ले करें, इसमें किसी के नेतागिरी चल नहीं रही है, वही निर्णय लेंगे कि किसको टिकट दिया जाता है किसको नहीं दिया जाता है। धर्मराज को अगर टिकट मिलता है 100% गारंटी है जीत जाएंगे, ये नहीं कि हम वो ओबीसी से हैं इसीलिए कह रहे हैं, नहीं यहाँ के नहीं, वो मुस्लिम समाज भी जब कह रहा है, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं जी जी, और ब्राह्मण समाज के भी वो हैं, वो कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि कई ब्राह्मण वो छत्री से लेकर कई हैं, तो अगर छत्री को मिलता है तो छत्री को छत्री जीतना नहीं है, ब्राह्मण को अगर मिलता है तो ब्राह्मण भी हार जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी समाज से धर्मराज निषाद को अगर टिकट मिलता है तो वो 100% आप लोग का कहना है कि वो जीत जाएंगे जी। उसमें जैसे 100% कहना इस तरीके से कि जैसे धर्मराज निषाद बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, मत्स्यपालन विभाग भी पाए थे, तो हम लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। अगर उनके सामने कोई बच्चा भी जा रहा है तो उसको रोक कर क्या नाम हाल चाल उसका ज़रूर ले लेंगे। चौराहे से पुलिस अगर चेकिंग लगाई है तो अगर फ़ोन कर दिया कि भैया हमारी मोटरसाइकिलियाँ पकड़ ली, तो धर्मराज स्वयं वहाँ उपस्थित होते थे। हर एक समाज में उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी पकड़ बनाई, ऐसा पाइड बनाई है, उनके पक्ष में किसी भी समाज का कोई बुराई या नहीं है और कोई बुरा नहीं मान रहा। अच्छा, कभी भ्रष्टाचार के कोई आरोप इनके ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कोई आरोप नहीं है, एकदम साफ पाक सुथरा है। कटेरी मंत्री से लेकर विधायक रहे, उसके बावजूद भी आदमी एक बार अगर विधायक हो जाता है तो उसके बाद भी अकूत संपत्तियां हो जाती हैं, इनके पास क्या है? नहीं ऐसा नहीं, दो चुनाव उन्होंने लड़ा है, हम लोगों ने स्वयं जाकर जौनपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वहाँ के जौनपुर में जमीन थी उन्होंने उसको बेच कर लड़े, गोसाईगंज विधानसभा से क्या नाम चुनाव उन्होंने लड़ा तो भीटी में अवधेश द्विवेदी की ही जमीन उन्होंने खरीदा, तो वही जमीन बेच कर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो आप लोग की पहली पसंद जो है वो धर्मराज निषाद, अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता खुलेगा तो धर्मराज वही विकल्प है, धर्मराज और कोई विकल्प नहीं है जी। कटेरी विधानसभा में एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि मुस्लिम वर्ग चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या ओबीसी समाज का हो, निषाद वो अगर धर्मराज निषाद को पार्टी लेवल अगर तय करती है, पार्टी हाईकमान अगर तय करती है कि धर्मराज निषाद को टिकट दिया जाए तो धर्मराज निषाद का जीतना तय है, ये यहाँ का मुस्लिम वर्ग बता रहा है, और मुस्लिम वर्ग का जो है उनकी पहली पसंद है धर्मराज निषाद।